a platform to sharing your thoughts. माँ के चरणों में बसे गीता और कुरान, माँ का पूजन जो करे उसे मिले भगवान। नमस्कार, मैं मीनाक्षी माथुर सिटी लाइफ डायलॉग्स के शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ एक शाम माँ की नाम। और इस शाम को सजाने में हमारा सहयोग कर रही है संस्था कला मंजर, जो कि आप सबके समक्ष तीन प्रखर कवित्रियों को लेकर उपस्थित है। दोस्तों, माँ से सुंदर कोई शब्द नहीं, माँ से सुंदर कोई रिश्ता नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिस पर जितना लिखो, जितना पढ़ो, जितना बोलो कम है। और न केवल कवियों के लिए बल्कि एक हर आम व्यक्ति के लिए भी माँ एक ऐसी भावना, माँ एक ऐसा रिश्ता रहा है कि वो स्वतः ही कुछ ना कुछ इस पर लिखना शुरू हो जाता है। तो हम अपनी इन कवियों को सुने उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम इस मदर्स डे को यानी कि मातृ दिवस को क्यों मनाते हैं। वैसे तो ये एक पाश्चात्य विचार है और यूरोप और अमेरिका में इसका बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन सबसे पहले एक महिला हुई, अमेरिकी महिला अन्ना, जिन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया और अपील करी कि मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में घोषित किया जाए और उस दिन को राजकीय सम्मान, राजकीय अवकाश घोषित किया जाए और इस दिवस को मना के हम मातृशक्ति के सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए प्रयास कर सकें। और इसी प्रयास के चलते 8 मई 1914 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन जी ने इस मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में घोषित किया और इसी दिन उन्होंने राजकीय अवकाश की भी घोषणा करी। तभी से दुनिया के देश इस मातृ दिवस को मनाते आ रहे हैं। यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो माँ को पूजनीय स्थान दिया गया है। प्रथम वंदनीय और प्रथम गुरु हमने माँ को माना है। तो जब हमने माँ को इतना सुंदर स्थान दिया है तो चाहे ये जो विचार है मातृ दिवस का पाश्चात्य संस्कृति का हो, लेकिन हम इसको क्यों ना मनाएं। अपनी माँ को सम्मान देने के लिए अपने कुछ भी अपनी संस्कृति में कुछ भी सकारात्मक चीजों को समावेश करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और इसीलिए आज हम मातृ दिवस मना रहे हैं और उस मातृ दिवस को मनाने के लिए हमारे साथ तीन कवियतियां हैं जिनका मैं पहले आपसे परिचय करवा दूं। मैं सबसे पहले एक छोटी सी प्यारी सी पल्लवी माथुर को लूंगी। पल्लवी माथुर अभी अपना ग्रेजुएशन कर रही है और बहुत छोटी उम्र से इन्होंने लिखना शुरू किया है और बहुत ही सटीक लिखती हैं। फिर मैं बात करती हूँ पूनम धाबाई की। पूनम धाबाई कवियत्री तो है ही, उसके साथ ही ये राजनीति में भी बहुत सक्रिय है। और मैं जब भी पूनम धाबाई तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि राजनीति में इस आवाज कर रही है सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए और अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि पूनम की लेखनी हमेशा बहुत सच्चाई को बहुत तीखे रूप से प्रस्तुत करती है। और सुनीता विश्नोला के बारे में मैं कहूँ तो ये राजस्थानी और हिंदी दोनों में समान अधिकार रखती हैं और बहुत ही सुंदर गीत लिखती हैं। विशेष रूप से जो राजस्थानी के गीत लिखती हैं वो तो बहुत ही कमाल होते हैं। और ये तीनों ही कवियत्रियां अपनी सशक्त लेखनी से समय समय पर स्त्री विमर्श पर, समसामयिक विषयों पर अपनी आवाज बुलंद करती आई हैं। तो मैं सबसे पहले वापस से पल्लवी माथुर के पास आती हूँ, वह हमें अपनी कुछ रचनाएं सुनाए। पल्लवी, कविता पर ही केंद्रित इस कविता के द्वारा मैंने मेरे अभी के जीवन में माँ की भूमिका को चित्रित करने का प्रयास किया।
माँ वो तुम ही तो थी जिसकी गोदी में मैं बेफिक्र होकर सो जाती, वो तुम ही तो थी माँ जिससे अलग होकर मैं एक पल भी ना चैन पाती, वो तुम ही तो थी जिसके हाथों से मैं एक रोटी हमेशा ज्यादा खाती थी, वो तुम ही तो थी जो मेरे मन की बात बिन बोले ही समझ जाती थी, वो तुम ही तो थी जो सबसे पहले मेरे लिए कपड़े लाती थी और फिर उन्हें पहना बड़े चाव से मुझे सजाती, वो तुम ही तो थी माँ जो गलती पर डांट मुझे रुलाती थी और फिर थोड़ी देर बाद मुझे बड़े प्यार से चुप कराती थी, वो तुम ही तो थी माँ जो हमारी पहली शिक्षक कहलाती थी, वो तुम ही तो थी माँ जो हमें पढ़ना लिखना सिखाती थी, वो तुम ही तो थी माँ जो हमें स्कूल छोड़ने आती थी और छुट्टी होते ही हमें वापस लेकर जाती थी, वो तुम ही तो थी माँ जो मुझे कॉलेज जाने के लिए जगाती थी और शाम होते ही मेरे वापस आने की राह तक दी जाती थी, वो तुम ही तो थी माँ जो मुझे सही गलत समझाती थी और जीवन के हर पहलू से मुझे रूबरू करवाती थी, वो तुम ही तो थी माँ जिसकी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पे ही खत्म हो जाती थी और जिसकी दुआओं में मैं एक विशेष स्थान पाती थी, ओ माँ वो तुम ही तो थी, वो तुम ही तो हो और वो तुम ही तो रहोगी हमेशा, आपकी जगह ना कोई ले पाया है और ना ही कोई ले सकता है, आप अमर रहोगी सदा हमारे किसी न किसी रूप। धन्यवाद। बहुत सुंदर पल्लवी, एक एक लाइन बहुत सुंदर थी। मन की बात बिना बोले माँ ही समझती है और न केवल समझती है बल्कि वो हमारा साथ देती है, सहयोग करती है कि हम उन बातों को कैसे पूरा करें। अगर हम किसी परेशानी में हैं तो माँ हमें समझाती है कि हम कैसे उस परेशानी से जूझें और निकलें। ठीक है, फिर आपने अपनी रचना में बोला कि माँ की दुआएं, वास्तव में माँ ही एक ऐसी शख्स है जिसकी दुआओं में हमेशा उसके बच्चे होते हैं, वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने बच्चों के लिए, अपनी घर गृहस्थी के लिए ही मांगती है। इन सुंदर पंक्तियों के साथ अब मैं पूनम धाबाई के पास आना चाहूंगी कि पूनम धाबाई भी हमें कोई अपनी प्यारी सी रचना सुनाए। नमस्कार, मैं कला मंजर संस्था और सिटी लाइफ की बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे सहयोगी बनाया। तो मैं प्रस्तुत हूँ अपनी कविताओं के साथ। सबसे पहले माँ की दुआओं और माँ के सम्मान की बात की जाए तो मैं कहना चाहूंगी कि जीत ही लूंगी मैं भी जग को, जीत ही लूंगी मैं भी जग को, मेरी माँ ने मुझे हारना नहीं सिखाया। और अब मैं अपनी कविता लेती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ सी बन गई मैं। बेटी जब माँ जैसी बनने की कोशिश करती है तभी माँ की पीड़ा, माँ के दिल के दर्द को या माँ की चिंताओं को, माँ की फिक्र को समझ सकती है। तो मैं कह रही हूँ, माँ सी बन गई मैं। बचपन में सिखाए सारे अदब, बचपन में सिखाए सारे अदब जिसे मैं हंसी में उड़ा दिया करती थी, वो सब अपनाने लगी हूँ। बचपन में सिखाए सारे अदब जिसे मैं हंसी में उड़ा दिया करती थी, वो सब अपनाने लगी हूँ। धीरे से मैं बड़ी होने लगी हूँ, मैं तुमसी बन गई हूँ माँ। सारा दिन घर संवारती हूँ, सारा दिन घर संवारती हूँ, सबको पूछ कर पकाती हूँ। सारा दिन घर संवारती हूँ, सबको पूछ कर पकाती हूँ, अपनी पसंद भूल चुकी हूँ, हर वक्त फिक्र करती हूँ, मैं तुमसी बन गई हूँ माँ। यही चाहती थी तुम, यही चाहती थी तुम, जिम्मेदार बन जाऊं, घर संभालूं, सबसे पूछ लो माँ। यही चाहती थी तुम, जिम्मेदार बन जाऊं, घर संभालूं, अब सबसे पूछ लो माँ। सच कह रही हूँ, मैं तुमसी बन गई हूँ माँ, मैं तुमसे बन गई हूँ माँ। पर अब ये क्यों कहती हो, पर अब ये क्यों कहती हो कि बचपन में बहुत प्यारी थी मैं। सच बताना माँ, सच बताना माँ, मैं तुम्हें
अब ज्यादा प्यारी हूं कि तब थी जब शरारते किया करती थी। सच बताना माँ, मैं तुम्हें अब ज्यादा प्यारी हूं कि तब थी जब शरारते किया करती थी। कुछ खुश तो हो लो तुम, कुछ खुश तो हो लो तुम, देखो तुमसी बन गई हूं माँ। माँ मैं तुमसी बन गई हूं माँ, तुमसी बन गई हूं माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर पूनम, माँ मैं तुमसी बन गई हूँ। वास्तव में ये हर लड़की की मन की बात है कि वो शादी के बाद वास्तव में वैसी ही बन जाती है जैसी उसकी अपनी माँ होती है, और माँ वो सच जीवन भर अपने व्यवहार से, अपने आचार व्यवहार से अपनी संतान को बताती रहती है, समझाती रहती है कि तुम्हें कैसे अपने जीवन को संवारना है और कैसे मुश्किलों को पार करते हुए समझौते जहाँ करने हो वहां समझौते भी करने हैं, और जहाँ तुम्हें अड़िग बन के रहना है वहां अड़िग बन के भी चलना है। तुम्हारी सबसे पहली लाइन ही शानदार थी कि माँ ने हारना नहीं सिखाया। वास्तव में माँ ने हारना कभी नहीं सिखाया। अब मैं पहुंचती हूँ सुनीता विश्नोला के पास। सुनीता विश्नोला भी हमें कोई शानदार अपनी रचना सुनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी एंड सिटी लाइव चैनल कला मंजर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ बोलने का। शानदार कहूँ या जानदार कहूँ या साधारण कहूँ, पर एक छोटी सी अपनी बात जरूर कहना चाहूंगी कि माँ तो माँ है। माँ चिड़िया की भी होती है, माँ कौवे की भी होती है, एक माँ कोयल भी होती है, एक माँ हिरनी भी होती है। तो इन्हीं के संदर्भ में सबसे पहले मैं अपनी माँ की, तो सब गाथा गाते हैं, मैं पहले गाथा गाऊंगी, दूसरी माओं के बारे में बताऊंगी कि कौन। सबसे पहले मैं राजस्थान की वीर माँ पन्ना धाय की आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। पन्ना धाय वाह के बारे में कहूंगी क्योंकि मैं मेरी माँ के बारे में बहुत लिखती हूँ, मैं दूसरी माओं को बहुत सुनती हूँ, क्योंकि मुझे हर माँ में मेरी माँ नजर आती है। दूसरों के लिए जो त्याग करे, बलिदान दे, वो है मेरी माँ, सबकी माँ। तो सर्वप्रथम मैं सुनाऊंगी, यूं ही नहीं संसार में माँ को पूजा जाता है, यूं ही नहीं संसार में माँ को पूजा जाता है। विपदा में मुख पर नाम प्रथम माँ ही का तो आता है, विपदा में मुख पर नाम प्रथम माँ ही का तो आता है। माँ की गाथा गाऊंगी, माँ की गाथा गाऊंगी, भूली कथा सुनाऊंगी, माँ की गाथा गाऊंगी, एक भूली कथा सुनाऊंगी। पुत्र को धर्म पे किया अर्पण, पुत्र को धर्म पे किया अर्पण, उस धर्मा की बात बताऊंगी, धर्मा की बात बताऊंगी। जौहर की गाथा याद हमें, जौहर की गाथा याद हमें, पीरा के पद भी ना भूले, पुनः स्मृति में भर लो, पुनः स्मृति में भर लो। पन्ना धाय को जो थे भूल चले, पन्ना धाय को जो थे भूल चले। अब माँ क्या करती है पन्ना धाय की, आपको छोटी सी कहानी चार लाइनों में सुनाती हूँ। अपने हृदय के टुकड़े को माँ देख देख मुस्काती है, अपने हृदय के टुकड़े को माँ देख देख मुस्काती है। अंतर में निर्मल दुग्ध धार, अंतर में निर्मल दुग्ध धार, उफन उफन कर आती है, उफन उफन कर आती है। रूप सलोना आंखों को स्निग्ध शीतलता देता है, ऐ पलक निहारे नेत्र इसे वात्सल्य का फूटे सोता है, वात्सल्य का फूटे सोता है। देख के अपने लाल को माँ, देख के अपने लाल को माँ, पन्ना है इतराती, वारूंगी पूत पे फर्ज को मैं, संकल्प से भर भर जाती, संकल्प से भर भर जाती। कहती मन में आज ये माँ, कहती मन में आज ये माँ, कोख से वीर ने जन्म लिया, माँ का वचन है इक माँ से, माँ का वचन है इक माँ से। इसे देश के नाम है आज किया, इसे देश के नाम है आज किया। उदय हुए उस सूर्य पर, उदय हुए उस सूर्य पर, काला बादल मंडराता है, राहु सूरज पर छाया है, जो ग्रहण लगाने आता है, जो ग्रहण लगाने आता है। माँ पूत को देख मुस्काती है, आंखों में उसे बसाती है, बस आज रात के दीपक पर, बस आज रात के दीपक पर जीवन का प्यार लुटाती है, जीवन का प्यार लुटाती है। और दूसरे दिन उदय की वो उसने हत्या ही कर दी थी बनवीर ने। तो इस तरह से मैं इस माँ को अपने हृदय में बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, इस माँ का, मेरी माँ पन्ना भी है। बिल्कुल, आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता। जब हम माँ की बात करें तो पन्ना धाय जैसी माओ की बात होनी ही चाहिए।
जिन्होंने अपने देश प्रेम पर अपने कलेजे के टुकड़े को भी निछावर कर दिया, और ये उस माँ के लिए आसान नहीं रहा होगा। आज जब हमारे बच्चे के हल्की सी कोई चोट भी लग जाती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस माँ ने तो अपने बच्चे को देश के हित के लिए बलिदान ही कर दिया। तो जब हम मातृ दिवस की बात करते हैं तो हमें पन्ना धाय को और पन्ना धाय जैसी बहुत सारी माओं को सलाम जरूर करना चाहिए। वो माएं जो सीमा पर अपने संतान को, अपने बच्चों को भेज देती हैं कि जाओ और अपने देश की रक्षा करो। अब मैं एक बार दोबारा पल्लवी माथुर के पास आना चाहूंगी, और पल्लवी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी एक और प्यारी सी रचना हमें सुनाएं। ये दूसरी रचना माँ पर नहीं अपितु औरतों पर है। इसका शीर्षक है पौराणिक कथाएं प्रमाण है। पौराणिक कथाएं प्रमाण है कि प्राय औरतें पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। तभी तो पहचान गई थी मंदोदरी राम की असाधारणता को, और रोका था उसने रावण को करने से युद्ध, पर कहां माना था रावण भी अपने अहम, और आखिर में मारा गया इसी वहम में कि उससे बुद्धिमान इस जग में कोई नहीं। समझा था कृष्ण की दैविक शक्तियों को कालिया नाग की पत्नी ने, और समझाया था अपने पति को कृष्ण की बात मानने, यमुना जल छोड़ कर जाने को, पर कहां समझ पाया था कालिया भी उसकी विद्वानता को, और आखिर प्राप्त हुआ वो केवल अपनी मृत्यु को। बताया था गांधारी ने महाभारत के संभावित परिणामों के बारे में अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को, और सलाह दी थी उसे युद्ध स्थगित करने की और द्रौपदी से क्षमा मांगने की, पर हल्के में लिया था उसने भी माँ का ज्ञान, और गवा बैठा आखिर में वो भी अपनी जान। अतः पौराणिक कथाएं प्रमाण है कि बुद्धि के आगे बल परास्त होता है हमेशा, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष परास्त होते आए हैं औरतों के आगे। शाबाश, क्या बात है। मतलब पल्लवी ने भले ही माँ पे रचना नहीं सुनाई, स्त्री पे सुनाई, लेकिन स्त्री ही तो माँ है। स्त्री को ईश्वर ने इतने गुणों से परिपूर्ण किया है, और इसीलिए वो माँ के रूप में और भी श्रेष्ठ हो जाती है। इसके साथ ही अब मैं वापस पूनम धावाई से निवेदन करूंगी कि आप अपनी एक रचना और हमें सुनाएं। बिल्कुल, मैं दो सुनाऊंगी क्योंकि मेरी रचना बहुत छोटी। जी, बिल्कुल मेरी अगली कविता का शीर्षक है बूढ़ी माँ। इसमें बूढ़ी माँ की व्यथा है, पीड़ा है, जिसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। मैंने कहीं ये खबर पढ़ी थी, उसके बाद ये पंक्तियां मेरे मन में आई कि एक बेटा किसी तीरथ के घाट पे अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। तो मैं इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए माँ की पीड़ा पे ये कविता है। बूढ़ी माँ, मैं लौटूंगा माँ, उसने कहा था। मैं लौटूंगा माँ, उसने कहा था, इस बारिश में जरूर लौटूंगा। मैं लौटूंगा माँ, उसने कहा, इस बारिश में मैं जरूर लौटूंगा। बूढ़ी माँ तब से आसमान तका करती है। बूढ़ी माँ तब से आसमान तका करती है। रीते गुजर गए बादल, रीते गुजर गए बादल न बरसे, इसी सिलसिले में कई बरस बीत गए, इसी सिलसिले में कई बरस बीत गए। बादलों से नहीं आंखों से बह गया पानी, बादलों से नहीं आंखों से बह गया पानी। बूढ़ी अखियों से कई कई समंदर बरसे, न आया वो न कोई खबर आई, ना आया वो न कोई खबर आई। माँ के कलेजे को पानी से पत्थर कर गया, बूढ़ी आंखियों से कई समंदर बरसे। मेरी अगली कविता है, छोटी सी चुलबुली सी कविता है। जैसे हम इस उम्र में भी पीहर जाते हैं तो किस तरह से हमारे मन के ख्याल होते हैं, उसी पे है। अम्मा के आंगन में आते ही, अम्मा के आंगन में आते ही कई यादें मेरा आंचल पकड़ पीछे पीछे डोल रही हैं। अम्मा के आंगन में आते ही कई यादें मेरी, मेरा आंचल पकड़ पीछे पीछे डोल रही हैं। बचपन के कह कहे हैं,
बचपन के कह कहे हैं बेफिक्र से, हंसी हैं नादा सी, सारी मुश्किलें छुप गई है माँ के लाड़ के डर से, सारी मुश्किलें छुप गई है माँ के लाड़ के डर से, नींद भी भरपूर है और भूख भी खूब है, बातों का खजाना तो कभी खत्म ही नहीं होता, बातों का खजाना तो कभी खत्म नहीं होता, मैं बन गई वही छोटी सी, मैं बन गई वही छोटी सी बच्ची जो उड़ती फिरती थी सारे आंगन में, इधर उधर यहाँ वहाँ, इधर उधर यहाँ वहाँ। और एक गंभीर सा मुक्तक है छोटा सा, और मैं अपनी बात समाप्त करूंगी, आज के समय के लिए चेतावनी भी समझो। हर माँ के लिए है कि नन्ना बचपन सहम रहा है, नन्ना बचपन सहम रहा है दिल खतरे से दहल रहा है, नन्ना बचपन सहम रहा है दिल खतरे से दहल रहा है, अपनी लाडली की हिफाजत जरा गौर से कर ए माँ, अपनी लाडली की हिफाजत जरा गौर से कर ए माँ, तेरी आस्तीन में भी कोई सांप सा पल रहा है, तेरी आस्तीन में भी कोई सांप सा पल रहा है। धन्यवाद मीनाक्षी। अपनी तीनों रचनाओं में बहुत गहरी बात कह दी, तीनों अलग अलग विषयों को लेकर के। पहली बात पे मैं आऊंगी, बूढ़ी माँ वाली। बादलों से नहीं माँ की आंखों से कई समंदर बरस गए। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में जो सब कुछ चल रहा है, नौकरी के लिए बच्चे माँओं से कई दूर दूर चले जाते हैं, कुछ खैर खबर लेते हैं और कुछ इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माँ बाप की खैर खबर लेते ही नहीं। और वो माँ जिसने उस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके लिए जिसके लिए सारा अपना जीवन समर्पित किया, उसके इंतजार में ही बैठी रहती है। बहुत पीड़ा इस रचना में पूनम आपने बताई। दूसरी रचना वास्तव में चुलबुली रचना। जब तुम बोल रही थी तो मैं तो वास्तव में अपने पीहर चली गई कि हम वहां जाते हैं तो कैसे अपनी एक एक इच्छा पूरी करते हैं। सुबह देर तक सोते हैं, शाम रात को देर तक सब भाई बहन मिलके गपशप करते हैं, बिल्कुल तितली की तरह हम उड़ने लगते हैं और चिड़ियाओं की तरह चहकने लगते हैं। और जो तीसरी रचना मुक्तक, वास्तव में अब माओं को ही अपनी बेटियों को इतना सशक्त तो करना ही पड़ेगा, साथ में अपने बेटों को भी संस्कार देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात अना आपने अपनी रचना में बताई, क्योंकि माँ को अपने बेटों के संस्कारों पर फिर से ध्यान देना होगा कि हमारा बेटा कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। अब इसी के साथ मैं वापस सुनीता विष्णुला के पास आना चाहूंगी, वो हमें फिर से अपनी एक रचना सुनाए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। माँ का छोटा सा संघर्ष जो है वो क्या करती है माँ, कि पुराने समय की बात बताती हूँ। जीवन झोंका चूल्हे में चक्की के पाटों बीच फंसी, जीवन झोंका चूल्हे में चक्की के पाटों बीच फंसी, सामंजस्य माँ का देखो मुश्किल सहकर भी रोज हंसी, सामंजस्य माँ का देखो मुश्किल सहकर भी रोज हंसी, फूंक फूंक कर चूल्हे को आंखें अविरल बहती थी, लेकिन मेरी माँ कष्टों को मुझसे सदा छुपाती थी, मुझसे सदा छुपाती थी। चुपचाप मेरी माँ चक्की पर व्यायाम नियम से करती थी, चुपचाप मेरी माँ चक्की पर व्यायाम नियम से करती थी, हर दाने के साथ साथ श्वेद की, हर दाने के साथ श्वेद की बूंदे माँ की बहती थी, बूंदे माँ की बहती थी। होले से माँ के मुख से कुछ शब्द बहा करते थे, होले से माँ के मुख से कुछ शब्द बहा करते थे, संगीत घर घर चक्की के, संगीत घर घर चक्की के दो पाठ दिया करते थे, दो पाठ दिया करते थे। ना थकती ना रुकती थी माँ, ना थकती ना रुकती थी माँ, सीख सदा देती थी फटे हुए अपने हाथों से, फटे हुए अपने हाथों से आशीष सदा लुटाती थी, आशीष सदा लुटाती थी। अब एक कविता मैं सुनाऊंगी, ऐसी कविता सुना दू? बिल्कुल। हाँ, तो चलो। ये कविता है कि मुझे अधिकतर सभी माँ के ऊपर लिखी गई कविताएं एक जैसी लगती हैं,
तो क्यों लगती है उसका कारण देखिए। जाने क्यों माँ पर लिखी हर कविता मुझे लगती है एक जैसी। जाने क्यों माँ पर लिखी हर कविता मुझे लगती है एक जैसी। सब कहते हैं माँ के कदमों में तो जन्नत है, मेरी माँ ही खुदा की नेमत है। जाने क्यों सब कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, मेरी माँ खुदा की नेमत है। सबसे पहले उठती है और आखिर में सोती है। सबसे पहले उठती है और आखिर में सोती है। हंसती गुनगुनाती माँ खुशियों के बीज बोती है। हंसती गुनगुनाती माँ खुशियों के बीज बोती है। सिर पर रखे पल्लू की तरह, सिर पर रखे पल्लू की तरह ओढ़ती है हर जिम्मेदारी। सिर पर रखे पल्लू की तरह ओढ़ती है सारी जिम्मेदारियां। वट वृक्ष बने उसकी संतान इसलिए नेह से सींचती है क्यारियां क्योंकि पल्लू की तरह ओढ़ती है वो सारी जिम्मेदारियां। उदास होने से माँ के मुरझा जाती है घर की बगिया। माँ के चेहरे पर आते ही हंसी खिलखिला उठता है घरौंदा। माँ के चेहरे पर आते ही हंसी खिलखिला उठता है घरौंदा। और नन्ही सी चोंच से खिलाकर दाना उंडेल देती है वात्सल्य का सागर नन्ही सी चिड़िया। उंडेल देती है वात्सल्य का सागर नन्ही सी वो चिड़िया। दुश्मन के घोंसले में रखकर अंडे चतुराई दिखाती है माँ कोयल। और संतान की सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए कुत्तों के झुंड से लड़ती छोटी सी माँ बिल्ली। सभी माँ अन्नपूर्णा और सरस्वती। जरूरत पड़ने पर दुर्गा भी बन जाती है हर कविता में कही जाती है यही बातें और यही कही है मैंने भी क्योंकि संसार की सभी माएं एक ही जैसी तो हैं। कोई अलग क्या लिखे फिर माँ के बारे में। इसीलिए माँ के बारे में लिखी हर कविता मुझे एक जैसी ही लगती है। धन्यवाद मीनाक्षी। वाह बहुत सुंदर सुनीता। सारी माएं एक जैसी ही लगती हैं और होती भी एक जैसी ही है। पल्लू की तरह ओढ़ लेती हैं जिम्मेदारियां। बस समय हर माँ इतनी अधिक जिम्मेदारियों से अपने आप को अगर मैं कहूँ दबा के रखती हैं तो गलत नहीं कहूंगी कि वो अपने लिए तो जीवन जीती ही नहीं है। वो पूरा जीवन परिवार पति बच्चे इनके लिए जीती है और हमेशा इन्हीं के लिए सोचती है, इन्हीं के लिए सब कुछ करती है। यदि मैं माँ के लिए ये दो लाइनें कहूँ कि 100 जन्म में भी ना चुके इतने माँ के उपकार, माँ की सेवा जो करे उसका हो जाए उद्धार। वाह। अब मैं अपनी एक छोटी सी रचना सुना करके अपने इस आयोजन का समापन करना चाहूंगी और उससे पहले मैं एक गंभीर मुद्दे पर भी इस समय हमारे इस आयोजन में बात करना चाहूंगी जो है कोरोना संकट। कोरोना से अभी पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह से हिली हुई है। हर घर में हर परिवार में कहीं ना कहीं कोरोना से कोई ना कोई मुसीबत आई हुई है। तो सिटी लाइव चैनल और संस्था कला मंजर इस समय सबके मंगल के लिए तो कामना करती ही है, साथ ही लोगों से ये अपील भी करती है कि अपने घर में रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें जब भी आप बाहर जाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष देखरेख करें ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और मस्त रहें, किसी भी तरीके का कोई तनाव ना लें ताकि आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ ही मैं भी माँ पर अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगी और मेरी इस रचना का संबंध
उन परिस्थितियों से है कि जब एक बेटी शादी होके अपने घर अपने ससुराल आ जाती है, उसके बाद वो अपनी माँ के लिए क्या महसूस करती है। माँ, ओ माँ, हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। पहले भी सबसे प्यारी थी, आज भी सबसे प्यारी हो, कभी डांट से कभी दुलार से। पहले भी साथ निभाती थी और आज भी साथ निभा रही हो। माँ, ओ माँ, समझने लगी हूँ अब तुमको मैं। कुछ कुछ तुम जैसा बनने की कोशिश करने लगी हूँ मैं। फिर भी आज भी कभी कभी मचल उठता है मन मेरा, छोड़कर सब कुछ दौड़कर सिमट जाऊं आंचल में तुम्हारे। फिर सोचती हूँ तुम्हें भी तो ऐसा ही महसूस होता होगा, लेकिन तुम तो नहीं दौड़ी, सिमटा लिया खुद को और हमें दे दिया आसमान उड़ने को। माँ, ओ माँ, कुछ पल तो तुम भी आओ ना मेरे पास, मैं भी पकड़ूं उंगली एक बार तुम्हारी। माँ, ओ माँ, धन्यवाद। मैं पूनम जी का, सुनीता जी का और पल्लवी का हार्दिक आभार करती हूँ, हमारे सभी श्रोताओं का भी हार्दिक आभार करती हूँ और मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.